जैसे ही उससे कहा कि तुम्हारी 15 दिन में मौत हो जाएगी, तो बड़ा परेशान हो गया, करी हमारी 15 दिन में? बोले हाँ 15 दिन। बेचारा उदास जा रहा था, उधर से नारद जी निकले। नारद जी ने कहा भाई क्या बात है, तुम इतने सुस्त क्यों? तो बोले गुरुदेव अभी एक ज्योतिषी हमें मिले, उन्होंने कहा तुम्हारी 15 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अब जिसकी मृत्यु 15 दिन में हो जाए और वो ये जान ले तो वो उदास नहीं होगा और क्या होगा? तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो। बोले महाराज कोई उपाय है जो हम बच सकें? बोले हाँ। क्या है? बोले तुम करते क्या हो? बोले हम मूर्तिकार हैं महाराज, बहुत बड़े मूर्तिकार। अच्छा मूर्तिकार हो? बोले तो ऐसा करो तुम अपने जैसी 5 मूर्तियां बनाओ और 5 इधर रखना, 10 मूर्तियां अपने जैसी बनाओ, बिल्कुल अपने जैसी बनाना, और जब तुम्हारे मरने का समय आए तो 5 इधर रख लेना और 5 इधर खड़ी कर लेना, बीच में तुम खड़े हो जाना, तो यमदूत आएंगे पहचान ही नहीं पाएंगे, और जब पहचान नहीं पाएंगे लौट जाएंगे तो घड़ी निकल गई जान, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उसने ऐसा ही किया। जब उसके मृत्यु का समय आया तो उसने सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई 10 बिल्कुल अपनी जैसी, और 5 इधर खड़ी कर ली, 5 इधर खड़ी कर ली, बीच में अपना खड़ा हो गया स्वयं। और जब यमदूत लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ये तो 10-11 खड़े हैं मरने के लिए, हमें तो 1 को लेना है, लेकिन हम ले किसको जाएं? ये तो बिल्कुल 1 जैसे। अब चक्कर में पड़ गए, यमराज जी को बुलाया गया, प्रभु देखो आकर के ये तांत बड़ा संकट है। यमराज जी आए, उन्होंने देखा कि ये तो 11 मरने के लिए खड़े हैं, अब ले तो 1 को जाना है, किसको ले जाएं ये पहचान ही नहीं आ रहा। यमराज भी संकट में पड़ गए, बोले भगवान को बुलाओ, अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं, जल्दी से बुलाओ नहीं तो इसकी मृत्यु टल जाएगी। तो जल्दी से विष्णु भगवान का ध्यान किया, विष्णु भगवान प्रकट हुए, बोले क्या बात है? बोले महाराज आप ही देख लो, लेना 1 को है, खड़े 11 है, अब किसको ले जाए क्या करें समझ में नहीं आ रहा, दूसरे को ले जा नहीं सकते, और अगर समय टल गया तो फिर उसको भी नहीं ले जा सकते, तो ये विधि का विधान नष्ट हो जाएगा, महाराज कुछ करो जल्दी से। तो विष्णु भगवान ने कहा चिंता मत करो। विष्णु भगवान ने 11 जो खड़े थे उनकी परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगा करके बोले देखो कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, इतनी सुंदर मूर्तियां तो हमने अपने जीवन में कभी देखी नहीं, ऐसी मूर्तियां बनाने वाला कितना अच्छा होगा, अगर आज वो हमारे सामने होता ना तो आज हम उसे वो पुरस्कार देते कि वो भी याद करता। बीच में से निकल आया, बोले प्रभु हम ही ने बनाई। भगवान ने कान पकड़ा, बोले इसलिए तो हमने ये तुम्हें कहा ही। बोले चलो जल्दी से, इसलिए प्रशंसा अगर कोई करे तो सावधान हो जाना कि हाँ वो गुण हमारे अंदर हैं भी कि नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें विकसित अवश्य करना। तो इस तरह कयाधु ने रात भर नारायण का नाम बुलवाया हिरण्यकश्यप से, और उसी रात्रि प्रहलाद जी गर्भ में आ गया। हिरण्यकश्यप अगले दिन तपस्या करने गया, भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज हमें अमरता का वरदान दो। तो भगवान ने कहा अमरता का वरदान तो मिल नहीं सकता, जो आया है उसे जाना तो जरूर पड़ेगा, इसलिए और कुछ वरदान मांग लो। तो और कुछ वरदान मांग लो, अमरता का वरदान नहीं मिल सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कोई बात नहीं, अमरता का नहीं मिल सकता तो हम अमरता जैसे ही वरदान लेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान से कहा देखो न तो हम ऊपर मरे, न हम नीचे मरे, न आकाश में मरे, न पाताल में मरे, न जल में मरे, न थल में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न रात में मरे, न दिन में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, जितना बुद्धि लगा सकता था लगा दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। वरदान दे दिया, हिरण्यकश्यप आया, और हिरण्यकश्यप आने के बाद हिरण्यकश्यप इतना उग्र हो गया कि सारे विश्व को उसने भयंकर त्रस्त कर दिया, भयंकर त्रस्त कर दिया।
अत्याचार से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। सारे देवता भाग करके पहुंचे, क्या किया जाए महाराज? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस दिन ये अपने पुत्र प्रहलाद से बैर करेगा, विरोध करेगा, उसी दिन हम इसे नष्ट कर देंगे, इसका वध कर देंगे। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था तो इंद्र ने कयाधु को पकड़ लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे। नारद जी ने कयाधु को छुड़वाया, बोले इंद्र जैसा हिरण्यकश्यप कर रहा वैसा तुम करोगे तो फिर अंतर तुम में उसमें क्या है, इसलिए तुम वो मत करो जो हिरण्यकश्यप कर रहा है। कयाधु को छुड़वाया और छुड़वा करके नारद जी अपने यहां ले गए, कयाधु को रखा। और सारे संस्कार दिए नारद ने, उन्हीं संस्कारों से प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बड़े हुए और जब बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क के पास पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन शंडामर्क जो शिक्षा देते थे वो प्रहलाद नहीं सुनते थे। प्रहलाद तो और ही कुछ चाहते थे, तो शिक्षा तो दी जा रही थी राजनीति की, लेकिन प्रहलाद राजनीति नहीं, प्रहलाद तो केवल और केवल भगवान की शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं का नाम, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का पूजन, उन्हीं का श्रवण। तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया शंडामर्क को और कहा प्रहलाद ने क्या पढ़ा है वो हमें बताओ, क्या पढ़ा है। तो शंडामर्क लेकर के प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, बेटा तुमने क्या पढ़ा है बताओ। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी, हित्वा आत्मपातम ग्रहयन्धकूपं वनं गतो यद्वरमाश्रियेत। पिताजी, ये संसार जो है आत्मपतन का एक स्थान है, ये अंधा कुआं है संसार पिताजी, इसमें जो गिर जाता है उसका फिर निकलना बड़ा असंभव सा हो जाता है, इसलिए पिताजी अगर अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो इस घर को छोड़ करके वन में चले जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने देखा कि जिस पुत्र को हमने पढ़ाने के लिए तो कुछ भेजा, लेकिन ये शंडामर्क पढ़ा कुछ रहे, ये तो उल्टा हो रहा है। शंडामर्क से हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या हो रहा है, आप क्या ही नहीं पढ़ाते, हमने आपको क्या बताया। तो शंडामर्क ने कहा महाराज हम पढ़ाते तो वही हैं, लेकिन ये पढ़ते ही नहीं है, ये पढ़ते ही नहीं, हम पढ़ाते कुछ हैं लेकिन पढ़ते कुछ है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, इस पर विशेष नजर रखो, विशेष ध्यान रखो, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। शंडामर्क प्रहलाद को लेकर चले गए, फिर पढ़ाने लगे, लेकिन प्रहलाद जी वही पढ़े जो उनके दिमाग में। अगली बार फिर बुलाया हिरण्यकश्यप ने, तो फिर प्रहलाद आए, पूछा तो प्रहलाद ने कहा पिताजी 9 भक्ति होती है भगवान की, अगर 9 में से आप एक भी कर लोगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, आत्मा उद्धार हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो वही बात बोलता है जो उसने पहले बोली थी, ये तो बिल्कुल बदलता ही नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसे तुम नहीं बदलोगे, अब तुम हमारे ही द्वारा बदलोगे, ऐसे नहीं बदलोगे। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। हाथी से कुचलवाया, कुछ भी नहीं हुआ। विष दिलवाया, कुछ भी नहीं हुआ। समुद्र में डुबाया, वहां भी भगवान ने रक्षा की। जब कुछ नहीं बिगाड़ सका हिरण्यकश्यप, तो अपनी बहन होलिका के पास गया और कहा होलिका तुम्हारे पास एक ऐसा दुपट्टा है
जिसमें आग का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा करो कि तुम वो दुपट्टा ओढ़ लेना, हम प्रहलाद को और तुम्हें जलती हुई चिता पर बिठाएंगे, तुम वो दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाना और प्रहलाद ऐसे ही बैठेगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा, तुम बच जाओगी, इस तरह उस दुष्ट का विनाश हो जाएगा। होलिका तैयार हो गई, होलिका को लेकर के हिरण्यकश्यप आया, चिता बनाई गई, प्रहलाद को बिठाया गया, होलिका भी बैठी और जैसे ही आग लगाई गई वैसे ही इतनी तेज बमंडर आया कि जो दुपट्टा होलिका ओढ़े थी वो उड़कर के प्रहलाद के ऊपर गिर गया, पड़ गया और होलिका जल करके उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित उस अग्नि से निकल आए। बोलो बांके बिहारी लाल की। सीप को चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापत। जब किसी तरह भी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय में पढ़ रहे थे, गुरुजी कुछ करने के लिए चले गए तो जो बच्चे थे प्रहलाद जी उन बच्चों को पढ़ाने लगे और कहा, बच्चों कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थदम। बच्चों ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से बहुत समय बाद नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में सूकर स्वान बनने के बाद ये प्राप्त हुआ है, इसलिए प्यारे भगवान का स्मरण अभी से कर लो, नहीं तो बुढ़ा वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वृद्धावस्था में तो इतने रोग हो जाते हैं कि उन्हीं रोगों से छुटकारा नहीं मिलता, उनको देखभाल करने में इतनी दिक्कत होती है तो भजन नहीं हो सकता। यावत स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावत दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है और शरीर स्वस्थ है तब तक ही भगवत भक्ति की जा सकती है प्यारे, इसलिए समय का इंतजार नहीं, भगवान के स्मरण में भगवान के भजन में समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जवानी में ही भगवान का भजन करना चाहिए। प्रहलाद बच्चों से कह रहे हैं कि तूने राम नाम ना जाना, तूने राम नाम ना जाना इस भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, राम नाम ना जाना तूने राम नाम ना जाना इस भरी जवानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। भटकाया है सब कुछ तू भ्रमा में जाए
सब कुछ तू गवा बैठा है, प्रहलाद जी ने कहा कि जिसने जवानी में ठाकुर का भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। भजन की कोई प्यारे उम्र नहीं होती। भजन के लिए लोग ये कहते हैं कि ना समय नहीं मिलता। मैं कहता हूं जिनके पास समय नहीं है वो केवल बहाना बना रहे हैं, केवल बहाना। भजन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत ही नहीं है, अतिरिक्त समय की कोई जरूरत भजन के लिए नहीं। भजन तो मन से होता है। अब हम दुकान पे बैठे हर समय तो ग्राहक दुकान पे होता नहीं है। अगर आप चाहें तो दुकान पर भी बैठ करके खाली समय में भगवान का भजन कर सकते नहीं कर सकते बोलो। दुकान पे बैठे ग्राहक को सामान दिया चला गया भजन करने लगो मन में। आप डॉक्टर हैं तो मरीज को देखने के बाद भजन करते, अरे मरीज को देखते देखते भजन कर सकते हो। मन में होता है ना काम तो आप शरीर से कर रहे हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है ये तो भजन। अरे मन में किसी समय अपने बोलने की जरूरत नहीं, मन में गुनगुनाते रहो, जो कुछ भी करो इस मन में इसको गुनगुनाते रहो भजन चलता रहेगा, कहीं अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत नहीं है। माताएं बर्तन साफ कर रही हैं, भजन कर सकती हैं बर्तन करते करते साफ करते। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे।
कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अतिरिक्त समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन हम करते क्या है, हम बहाना बनाते हैं। हमारे लिए बताया नहीं मैंने, केवल प्रभु के लिए समय नहीं, व्यक्ति को हर काम के लिए समय। रोता है जब तब प्रभु याद आते हैं, जब रोता है तब वही याद आता है, फिर वो भी आंख बंद कर लेता है, बोले चलो अब रो लेने दो, अब ढंग से रो लेने दो, फिर चुपाएंगे। तो इसलिए प्यारे अनर्गल बातें करने के लिए घर में पत्नी से अनर्गल बातें करते रहते, अनावश्यक विवाद कर लेते, उसके लिए समय, उसके लिए सब कुछ। अरे उस जगह पर जिस जगह अनर्गल बातें करते हो, उस जगह पर अगर भजन करो, हरिचर्चा करो, सद साहित्य पढ़ो, तो संस्कारवान बनो, आत्म कल्याण हो, अच्छे संस्कार हो। लेकिन अनावश्यक चर्चा पत्नी से भी, एक पति थे तो बैठे थे उस पे तखत पे, तो पत्नी जो है कुर्सी पे बैठी, तो पत्नी से कह रहे तो कुर्सी पे क्यों बैठी है, तखत पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, बात यह है कि पति की मर्यादा, आप तखत पे बैठे हैं तो हम कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें तो वही बात तर्क करना, तो बोले अगर हम कुर्सी पे बैठ गए फिर क्या करोगे। तो उसने कहा अगर कुर्सी पे आप बैठ गए तो हम स्टूल पे बैठ गए, यही तो हो सकता है। फिर भी रुका नहीं, फिर भी यहां पे रुका नहीं, बोला हम स्टूल पे बैठ गए तो क्या करोगे। उसने कहा स्टूल पे अगर आप बैठ गए तो हम जमीन पे बैठ जाएंगे, और हम क्या कर सकते। उसने कहा अगर हम जमीन पे बैठ गए फिर, पत्नी ने कहा भाई अगर जमीन पे बैठ गए तो हम गड्ढा खोद लेंगे, बस उसमें बैठ जाएंगे। फिर भी नहीं रुका, बोले हम गड्ढे में बैठ गए फिर क्या करोगे। तो पत्नी ने कहा तुम गड्ढे में बैठ गए तो ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे। अनर्गल चर्चा करने के लिए समय है, सब बात विवाद नावश्यक निष्प्रयोजन, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं। तो बच्चों को पढ़ाते, ये बताते बताते प्रहलाद भजन करते करते प्रहलाद नाचने लगे। प्रहलाद जब नाचने लगे तो बच्चे भी नाचने लगे भगवान का भजन करते करते। उधर संडामर गुरुजी गए थे बाहर, तो आए तो देखा प्रहलाद भी नाच रहा, बच्चे भी नाच रहे, तो गुरुजी आए, गुरुजी भी नाचने लगे। इधर हिरण्यकश्यप ने देखा कि आज पता करते हैं, देखें क्या पढ़ाते हैं, कैसी पढ़ाई होती है, तो अपने सेवक को भेजा, बोले देख करके हमें बताओ क्या पढ़ाया जाता है विद्यालय में, कैसी पढ़ाई होती है, देख के हमें बताओ आ करके। तो सेवक गया, देखा जा करके, तो देखा बच्चे भी नाचे, प्रहलाद भी नाच रहे, गुरुजी भी नाच रहे। सेवक अंदर घुसा, जैसे उनके पास गया तो सेवक भी नाचने लगा।
हिरण्यकश्यप ने देखा इतनी देर हो गई, हमने भेजा अभी तक लौट के नहीं आया, बात क्या है, दूसरे को भेजा। बोले तुम देख के आओ कि जो गया है वो भी नहीं लौट के आया, तो तुम जाओ जल्दी से। उसे भेजा तो वो गया, और जैसे ही अंदर घुसा तो देखे बच्चे भी नाच रहे, प्रहलाद भी नाच रहे, गुरु जी भी नाच रहे, जो सेवक गया वो भी नाच रहा। और जैसे ही वो अंदर घुसा उनके सबके साथ पहुंचा तो वैसे वो भी नाचने लगा, वो भी लौट के नहीं गया। हिरण्यकश्यप ने कहा जो जाता है वो लौट के नहीं आता, बात क्या है। हिरण्यकश्यप ने देखा कि हम जाएंगे, हिरण्यकश्यप गया और जैसे ही दरवाजे से देखा कि बच्चे भी नाच रहे, गुरुजी भी नाच रहे, प्रहलाद भी नाच रहा, जो सेवक गए वो भी नाच रहे, सब नाचने में लगे रहे और भजन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप पहुंचा और जाकर के उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हिरण्यकश्यप का कुछ नहीं हुआ, वो नहीं नाचा। क्यों? हिरण्यकश्यप से इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब था, फ्यूज बल्ब में करंट का कोई असर नहीं होता। हाथ पकड़ा और कहा प्रहलाद से कि आज तुम्हारा राम तुम्हें बचा के दिखाएगा। अब देखें राम तुम्हारा कैसे बचाता है। हिरण्यकश्यप को हाथ पकड़ के ले गया, महल में खड़ा किया, बोले अब बताओ तुम्हारा राम कहां है। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी ये बताओ कि राम कहां नहीं है, कहां नहीं है। मेरा राम तो पिताजी हर जगह व्याप्त है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
बाग के फूल हैं हम सब एक माला के मोती, एक बाग के फूल हैं हम सब एक माला के मोती, एक बाग के फूल हैं हम सब एक माला के मोती, एक बाग के फूल हैं हम सब एक माला के मोती, एक ही ब्रह्म समाया सब में एक ही सब में ज्योति, एक ही ब्रह्म समाया सब में एक ही सब में ज्योति, ना जाने किसने है लड़ना हमें सिखाया, बोलो राम राम राम, 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 मुझ मेरा खुद मेरा सब मेरा समाया, सब से कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमारा राम ये मत पूछो कहां है, ये पूछो कि मेरा राम कहां नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा हर जगह, बोले हर जगह, बोले इस खंभे में, तो बोले इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, बोले इस तलवार में, बोले इस तलवार में भी है। प्रहलाद ने कहा पिताजी, बोले प्रहलाद की राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभ में है तलवार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभ में है तलवार में है, पिताजी मेरा राम इस तलवार में भी है, इस खंभे में भी है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें मेरा ठाकुर नहीं है, मेरा राम नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, अगर सब में है तो देखें आज तेरा राम तुझे बचाता है। तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा पिताजी चमन उजड़ गया कुछ इस्तहार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ इस्तहार बाकी है, कहीं कहीं निशाने बहार बाकी है, कैसे कह दें कि सहारे तमाम टूट गए, कैसे कह दें कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो वो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। पिताजी चिंता मत करो,
हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गई। हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए तलवार चलाई, वैसे ही गुर 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 की आवाज करते हुए खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी जंघों पर रखा और दरवाजे के मध्य में खड़े हुए और कहा, हिरण्यकश्यप एक बात बताओ, रात है कि दिन? बोले, न रात है न दिन, संध्या का समय है। संध्या को न रात कह सकते न दिन कह सकते। बोले, ऊपर हो कि नीचे? न ऊपर है न नीचे, बीच में है। बोले, हम नर हैं कि पशु? बोले, प्रभु आप अपनी कुछ मत कहो, ऐसा तो रूप हमने कभी देखा ही नहीं जिस रूप में आज आए हो। बोले, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है? बोले, नहीं। बोले, आकाश में होगी पाताल में? बोले, कुछ नहीं, कहीं नहीं, बीच में। सारी शर्तें पूरी? बोली, सारे शर्तें पूरी हैं। और जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा सारी शर्तें पूरी, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया और उसका वध कर दिया। बोलो, नरसिंह भगवान की जय हो। Come here.